वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 अप्रैल 2022, और 1 अप्रैल 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो लाइव क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, और आज शाम आपको 8 बजे मिलेगा पूरे मार्च महीने का कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मार्च का महीना कंप्लीट हो चुका है, और आज शाम 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे तैयार रहें। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? भारतीय भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू ने अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है मैरी कॉम, ये मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। देखो मुख्य देते हैं, ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता है। किसने? मीराबाई चानू ने, और ये ओलंपिक रजत पदक विजेता है, भारोत्तोलक से संबंधित है इसका खेल। और अभी मीराबाई चानू ने स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण इसने जीता है। तो तस्वीर यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। तो चानू ने पिछले साल इतिहास रचा था, और पहली भारतीय भारोत्तोलक ये बनी रजत पदक जीतने वाली। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? यानी कि रूस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय का। किसका हुआ है? मेघालय का। तो आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है लिविंग रूट ब्रिज। तो अभी ये क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल किया गया है, और ये कहाँ पे है? मेघालय का है। तस्वीर यहाँ पे अच्छी तरह से आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, मेघालय के 70 से अधिक गाँव में लोगों और प्रकृति के बीच में सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने के लिए जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। और यूनेस्को में सदस्य देश कितने हैं? सदस्य हैं 193 देश। और प्रमुख कौन है यूनेस्को के? आड्रे अजोले। कौन है? आड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया है? किसने 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने लिया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड के माध्यम से 5वें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, और शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार द्वारा की गई है, जो बिम्सटेक का अध्यक्ष राष्ट्र था। अब ज़्यादा खास आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाइन ये बन सकती है कि इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो श्रीलंका सरकार के द्वारा। और शिखर सम्मेलन के समापन पर कौन था? तो थाईलैंड ने बिम्सटेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला था। तो ये चीज़ें आपके दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेजबानी श्रीलंका सरकार के द्वारा, और इसका समापन है जो थाईलैंड ने बिम्सटेक के अध्यक्ष के रूप में इसके पदभार के रूप में संभाला था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुँचा है? पहली बार ऐसा कौन सा देश की टीम है जो 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कौन पहुंचा है? कनाडा का। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो,
ये है कनाडा की टीम और अभी 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में ये पहुंची है टीम। किसकी? कनाडा की। देखो मुख्य तथ्य, टोरंटो में जमैका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई की है। किसको अंत में रहा है? टोरंटो में जमैका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए इसने क्वालिफाई किया है। किसने? इसने कनाडा ने। तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डफ एंड फेपलस सेबिलिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से भारतीय खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो अभी इस रिपोर्ट के अनुसार है भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली, उन्हें विराट कोहली है। डफ एंड फेपलस सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय खिलाड़ी शीर्ष पर हैं, कौन है? विराट कोहली। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है विराट कोहली। और विराट कोहली को कौन कौन नहीं जाता, सारे विद्यार्थी अच्छी तरह से इनको जानते हैं, ये भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। देखो मुख्य तथ्य, डफ एंड फेपलस यानी कि नाउक्रो द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के 7वें संस्करण डिजिटल एसलेशन 2.0 के अनुसार भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान है सेलिब्रिटी के रूप में स्थान है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? और देहरादून आपको पता है कहाँ पर है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेणु सिंह को, ऑप्शन नंबर है एक। तो वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है डॉक्टर रेणु सिंह को देहरादून में। तो ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है वन अनुसंधान देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी। तो ये तस्वीर यहाँ पे जिसे विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो इस तरह से आप देख सकते हो। मुख्य तथ्य देखो, डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह संस्थान की दूसरी महिला ये निदेशक, क्योंकि पहले एक बार और बन चुकी है और ये दूसरी महिला निदेशक बन चुकी है डॉक्टर रेणु सिंह को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 किस सागर में संपन्न हुआ है? यानी कि इसका नाम IONS समुद्री अभ्यास 2022 किस सागर में संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में। देखो ये देखो इनों के द्वारा क्या है, अब इनको देखो, हिंद महासागर ये नौसेना है संगोष्ठी समुद्री अभ्यास की, किसकी है? ये नौसेना एक है हिंद महासागर की, और अभी अरब सागर में इनका जो अभ्यास है वो संपन्न हुआ है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छी तरह से। देखो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 को गोवा और अरब सागर में आयोजित है किया गया था। तो आपको ध्यान रखना गोवा राज्य है और अरब सागर में आयोजित है किया गया था। तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, ये हिंद महासागर नौसेना के द्वारा। अगला देखो, हाल ही में किस भारतीय सेना फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव ईंधन भरने के लिए नई पहल का अनावरण किया है? किस भारतीय सेना द्वारा फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव ईंधन भरने के लिए नई पहल का अनावरण किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के द्वारा ये नई पहल की शुरुआत की गई है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है भारतीय वायुसेना और इनके द्वारा अभी एक नई पहल की शुरुआत की गई है। तो देखो मुख्य तथ्य, भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक नई पहल का अनावरण किया है। अब भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को, और मुख्यालय है नई दिल्ली। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। और वायुसेना के द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए एक नई पहल का अनावरण किया है, और ये एक ईंधन ऊर्जा से संबंधित ये इसने अनावरण किया। तो देख सकते हो, ये देखो फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन है मूव ईंधन भरने के लिए, यानी कि ऊर्जा से संबंधित है और इसका अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किन दो राज्यों ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी दो राज्यों में सीमा को लेकर विवाद चल रहे हैं, और अभी इन विवादों में सीमा के मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और दो राज्यों के किन के बीच में? तो ध्यान रखना असम और मेघालय के बीच में। किसके बीच में? असम और मेघालय के बीच में। ये तस्वीर देख सकते हो, ये है हमारे गृह मंत्री अमित शाह, और ये एक है हमारे
ये मेघालय के मुख्यमंत्री और एक है असम के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा भी जो सीमा का विवाद चल रहा था उसमें इनको हल करने के लिए इससे हस्ताक्षर इस पर किए हैं। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए असम और मेघालय के बीच में 12 विवादित स्थानों में से 6 अपने 5 दशक लंबे समय विवाद को लेकर हल करने पर सहमति व्यक्त की है। यानी कि 5 दशक तक यानी कि लंबे समय तक विवाद चल रहा था और इसको हल करने के बाद इस पर सहमति बनी यानी कि हस्ताक्षर हो चुके हैं। अगला देखो, हाल ही में भारत और WHO ने किस शहर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और WHO किस शहर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? जामनगर गुजरात में भारत और WHO के द्वारा वैश्विक पारंपरिक यानी कि चिकित्सा केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। देखो मुख्य तथ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत सरकार ने गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। WHO के बयान के अनुसार जामनगर गुजरात भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए नए WHO वैश्विक केंद्र का उद्घाटन 21 अप्रैल 2022 को होगा। तो डेट आपको याद रखनी है यानी कि आज के बाद 21 यानी कि 20 दिन बाद है 21 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन होगा। अगला देखो, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 कौन बने हैं? स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन विलफ्रेड बुस्टेस्ट। कौन हो जाएगा? विलफ्रेड बुस्टेस्ट है जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के बने हैं। देखो मुख्य तथ्य, प्रोफेसर एमिरेटस विलफ्रेड्स बुडसेस्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है और स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है वो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और अभी विलफ्रेड बुडसेस्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता दिया गया है। तो अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ये एक नंबर पे थे और ये दो नंबर पे, ये तीन नंबर पे। तो इन तीनों के जवाब बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में SAWF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज मैंने यस्टरडे डोज नहीं दिया आपको, नेक्स्ट डोज कल आपको यस्टरडे डोज है नेक्स्ट डोज है मिलेगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी और आज शाम 8 बजे आपको मिलेगा पूरा मार्च महीने का जो वीडियो है, करंट इंडिया, करंट वर्ल्ड पूरा आपको मिलेगा। और नाना क्लासेस पर आपको राजस्थान का मार्च महीने का वीडियो मिल चुका है कल शाम को, और आज शाम 8 बजे आपको मिलेगा पूरा मार्च महीने का कंप्लीट वीडियो। तो 8 बजे आप सारे विद्यार्थी तैयार रहना और 7 बजे आपको राजस्थान GK की क्लास है मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।